हमारे देश के एक कॉमेडियन वीर दास ने अमेरिका में जाकर भारत के बारे में जो अभद्र बातें कही हैं, उससे भारत के करोड़ों लोग बहुत आहत हुए हैं। लेकिन यह भी सही है कि कुछ मुट्ठी भर लोग आज खुश भी बहुत हुए हैं। वीर दास ने स्टैंड अप कॉमेडी के अपने एक शो में भारत को बलात्कारियों और चरित्रहीन लोगों का देश बताया है और यह भी कहा है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है और लोग असहनशील हैं। आज जब हम वीर दास को एक करारा जवाब देने के बारे में सोच रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इससे वीर दास को ही फायदा होगा, छोड़िए, रहने दीजिए, इग्नोर कीजिए, क्योंकि उन्होंने ये सब अपनी सस्ती लोकप्रियता और अपने कार्यक्रम के व्यूज बढ़ाने के लिए किया है। और हुआ भी यही, उनके इस वीडियो को अब तक यूट्यूब पर 11 लाख लोग देख चुके हैं। लेकिन हमें आज ऐसा लगा कि आज वीर दास जैसे लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। अगर भारत के लोगों ने आज इस तरह के नकली वीरों को जवाब नहीं दिया तो इनकी हिम्मत ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी और ये लोग एक बार फिर से वही स्थिति पैदा कर देंगे जिसकी वजह से हम सैकड़ों वर्षों तक मुगलों और अंग्रेजों के गुलाम रहे। इसलिए वीर दास ने अमेरिका के कैनेडी सेंटर के मंच पर खड़े होकर जो कुछ भारत के बारे में कहा, उसका जवाब हम जी न्यूज के इस मंच पर खड़े होकर आज देंगे। और अगर आप भी इस जवाब में शामिल होना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक हैशटैग आज बनाया है और वो है #StandUpForIndia, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। आप इस हैशटैग पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, अपना रिएक्शन हमें भेज सकते हैं और जो कुछ भी आप लिखेंगे उसे पूरी दुनिया आज देखेगी, पूरी दुनिया पढ़ेगी। वीर दास ने जो कुछ किया उसके बाद सवाल यही है कि क्या अपने देश को गालियां देकर ही तालियां हासिल की जा सकती हैं? हम जानते हैं कि वो एक कलाकार हैं, तालियों का उन्हें बड़ा शौक है, हर कलाकार को तालियों का बहुत शौक होता है, लेकिन क्या तालियों की गड़गड़ाहट के लिए अपने देश को नीलाम करना जरूरी है? क्या अपने देश का मजाक उड़ाकर ही कॉमेडी की जा सकती है? क्या अपने देश की आलोचना करके ही लोकप्रियता पाई जा सकती है? क्या यूट्यूब पर अपने व्यूज बढ़ाने का यही एक अकेला रास्ता है? आज से 128 वर्ष पहले जब सिर्फ 30 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे और उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपना भाषण दिया था, तब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में जैसे ही ये कहा, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, वैसे ही उस हॉल में मौजूद 7000 लोग अपनी जगह पर खड़े होकर 2 मिनट तक लगातार तालियां बजाते रहे। अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से आता हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए हुए लोगों को अपने यहां शरण दी। जब स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण समाप्त किया तब भी वहां मौजूद हजारों लोग बहुत देर तक तालियां बजाते रहे और इस भाषण के साथ ही स्वामी विवेकानंद दुनिया में भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए। अमेरिका और पूरी दुनिया के लोग उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें उसी कार्यक्रम में 5 बार और भाषण देने के लिए बाद में बुलाया गया और यह सब कुछ आज से 130 वर्ष पहले हुआ था। लेकिन आज उसी अमेरिका में जाकर 42 साल का एक भारतीय जो भारतीय फिल्मों में काम करता है, अपने आप को कॉमेडियन कहता है, भारत में रहकर भारत के लोगों से पैसा कमाता है, भारत में ही लोकप्रियता हासिल करता है और कहता है कि मैं उस देश से आता हूं जहां दिन में महिलाओं की पूजा होती है और रात में उनका बलात्कार होता है, यानी भारत बलात्कारियों और चरित्रहीन लोगों का देश है, ये आदमी अमेरिका में जाकर ये कहता है इस उम्मीद में कि अमेरिका के जो लोग इसके सामने खड़े हैं वो तालियां बजाएंगे। वो कहता है कि मैं ऐसे देश से आता हूं जहां लोग घरों में बैठकर तो जोर से हंसते हैं लेकिन कॉमेडी क्लब में लोगों को किसी जोक पर हंसने की इजाजत नहीं है, यानी भारत असहनशील लोगों का देश है। हमें वीर दास की इन बातों पर तो नहीं लेकिन उनकी सोच पर आज बहुत दया आती है क्योंकि देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले इस चुटकुले पर, इस जोक पर वही हंस सकता है जिसमें जरा सी भी गैरत ना हो, जो भारत से नफरत करता हो। हम ना तो वीर दास और स्वामी विवेकानंद की आज तुलना कर रहे हैं और ना ही कोई विवेकानंद की बराबरी कर सकता है, तो यह मत समझिए कि हम इन दोनों की बराबरी कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद महान थे, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद के रूप में 30 वर्ष का एक युवा कैसे अमेरिका जाता है और 128 साल पहले
कैसे वो भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनता है, भारत की बुराई नहीं करता, भारत की अच्छाइयों के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में पूरी दुनिया को बताता है और उस पर भी लोग तालियां बजाते हैं। वीरदास के सामने तो क्या भीड़ रही होगी जो स्वामी विवेकानंद के सामने उस जमाने में थी जब सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था, डिजिटल नहीं था, कुछ नहीं था। उस समय जो तालियां बजी, आज ऐसे लोगों को उस पर शर्म आनी चाहिए। हम सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि 128 साल पहले जब भारत को सांप और सपेरों का देश माना जाता था, जादू टोने का देश माना जाता था, गरीबों का देश माना जाता था, गुलाम देश था, तब विवेकानंद ने भारत को दुनिया के मंच पर एक शानदार जगह दिलाई और विदेशियों को भारत का सम्मान करना सिखाया। और आज जब हम चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, दुनिया को कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन हमने दी है, इतना अनाज उगा रहे हैं कि भारत अपने साथ साथ कई देशों का पेट भर सकता है, तब भारत से गया एक छोटा सा मस्खरा अमेरिका में जाकर कहता है कि उसे भारत की सोच पर शर्म आती है और यह उम्मीद करता है कि अमेरिका में बैठे लोग उस पर तालियां बजाएंगे। वीरदास ने सब इसलिए कहा ताकि उनके लिए तालियां बजती रहें, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने भारत के बारे में जो कहा था उसमें तालियों का लालच नहीं था, देश के लिए सम्मान की भावना ना थी। भारत को नीचा दिखाकर अपनी सोच को ऊंचा साबित करने वालों की वजह से ही भारत पहले मुगलों का गुलाम रहा और फिर अंग्रेजों का गुलाम बन गया। आज भारत आजाद है, इसलिए कुछ लोग विदेशों में स्टेज पर खड़े होकर खुद को वीर साबित करते हैं, लेकिन असल में वो आज भी विदेशियों के दास हैं। आज हमने भारत के 135 करोड़ लोगों की तरफ से, यानी आप सब की तरफ से, जी न्यूज के मंच पर खड़े होकर वीरदास को एक जवाब देने का फैसला किया है। अगर आपको लगता है कि हमने वीरदास को सही जवाब दिया है तो आप #StandUpForIndia पर ट्वीट करके हमें और पूरी दुनिया को जरूर बताइए। ऐसे भारत से आता हूं जहां छोटे छोटे मस्खरे छोटे से फायदे के लिए अपने देश को बेच सकते हैं। मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां मस्खरे कॉमेडी के नाम पर लोगों की लाशों पर रोटियां सेक सकते हैं। मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां कुछ लोग स्टेज पर वीर बनते हैं और असल में विदेशों के दास होते हैं। मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां ये लोग विदेशों की भीख से खुश और अपने देश की समृद्धि से उदास होते हैं। मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां ये एक्टर फिल्मों में औरतों का मजाक उड़ाते हैं, युवाओं को अश्लीलता का पाठ पढ़ाते हैं और फिर विदेशों में औरतों के सम्मान के गीत गाते हैं। मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां से ये लोग पैसा कमाते हैं, इस पैसे से मौज उड़ाते हैं, फिर विदेशों में जाकर देश की गरीबी के किस्से सुनाते हैं। लेकिन ये लोग भारत नहीं है, क्योंकि इनके पास गैरत नहीं है। भारत के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए जिसे देखो वो माइक उठाकर अपने देश के खिलाफ खड़ा है। लेकिन ये लोग भारत नहीं है, क्योंकि इनके पास गैरत नहीं है। भारत के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए कोई रोक टोक नहीं है। हम ट्रेजेडी में भी कॉमेडी ढूंढ लेते हैं, लेकिन भारत कोई जोक नहीं है। भारत और भारत के लोग बहुत बड़े दिल वाले हैं। हम लोगों के हजारों गुना ऐसे ही माफ कर देते हैं, इतना बड़ा दिल है हमारा। लेकिन जब कोई देश के सम्मान को चोट पहुंचाता है तो फिर उसे जवाब देना कई बार जरूरी हो जाता है, और अब तो पानी जो है वो बहुत ऊपर तक चला गया है, इसलिए हमें ऐसा लगा कि अब जवाब देना चाहिए, क्योंकि अपने देश को गाली देना इस तरह के लोगों का एक नया बिजनेस मॉडल बन गया है। इनमें इस ये काम करने में ये पैसा भी मिलता है, इन्हें नए फॉलोअर्स भी मिलते हैं, व्यूज भी मिलते हैं और सस्ती लोकप्रियता भी है। लेकिन ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है जब इस तरह के लोगों को ये लगने लगे कि भारत को गालियां दो, भारत का अपमान करो, भारत के बारे में, हिंदुत्व के बारे में कुछ भी कहो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और इसके जरिए पैसा कमाते रहो, लोकप्रियता लेते रहो और अपनी दुकान चलाते रहो। भारत में कांग्रेस जैसी पार्टियां आज भी ऐसे लोगों के समर्थन में खुलकर आकर खड़ी हो जाती हैं। सोचिए, आज भी ऐसे लोग हैं हमारे देश में, ऐसी पार्टियां हैं जो इनका समर्थन करती हैं। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने आज एक ट्वीट किया
और उसमें वीरदास का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि इसमें कोई शक नहीं कि दो तरह के भारत हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भारतीय दुनिया के सामने जाकर ये बात बताए कि हम पाखंडी और असहनशील लोग हैं। ये हमारे दोहरे मापदंड हैं, ऐसा कपिल सिब्बल कहते हैं। कांग्रेस के एक और नेता शशि थरूर ने भी वीरदास के समर्थन में ट्वीट किया है और लिखा है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन जानता है कि स्टैंड अप का असली मतलब क्या है। वीरदास ने इस 6 मिनट के वीडियो में लाखों भारतीयों के मन की बात कही है। तो आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई ये आपके मन की बात है। हालांकि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वीरदास का समर्थन नहीं किया है, और बात एक वीरदास की नहीं है, बात है उन लोगों की जो हर जगह हर मंच से खड़े होकर देश का अपमान करते हैं। आज अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्विटर पर लिखा है कि कुछ बुरे लोगों की वजह से पूरे देश को बदनाम नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये कहा है कि अंग्रेजों के शासन के समय जो लोग भारत को लुटेरों और सपेरों का देश बताते थे, वो आज भी मौजूद हैं, और उनका इशारा वीरदास जैसे लोगों की तरफ ही था। अब समस्या यह है कि हमारे देश के लिबरल्स और बुद्धिजीवियों के लिए अपने देश को गाली देना और अपने देश का अपमान करना एक नया फैशन बन गया है। ऐसा करके ये लोग खुद को उदारवादी और प्रगतिशील साबित करना चाहते हैं और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि देखिए हम कितने महान हैं, कि हम अपने ही देश की आलोचना कर सकते हैं और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर आलोचना सुन भी सकते हैं। आप इस पैटर्न पर अगर गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि भारत में रहकर, भारत में ही भारत के लोगों से पैसा कमाकर, भारत की रोटी खाकर भी अपने देश के खिलाफ बोलने वालों ने एक पूरा की पूरा नया इकोसिस्टम खड़ा कर लिया है, और वीरदास जैसे कॉमेडियन भी इसी इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं, जो अपनी फिल्मों में जब काम करते हैं तो फुहड़ता पेश करते हैं, महिलाओं के खिलाफ अभद्र डायलॉग्स बोलते हैं, अश्लील बातें करते हैं, फिर दुनिया के सामने मंच पर खड़े होकर भारत में महिलाओं की स्थिति पर कविताएं पढ़ते हैं। इनकी ये फूहड़ और अश्लील फिल्में इसी देश में बड़े आराम से रिलीज हो जाती हैं, फिर भी ये विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत इतना सहनशील है कि वहां आप मंच पर किसी को कोई जोक भी नहीं सुना सकते। अश्लीलता, हिंसा और देश के खिलाफ दुष्प्रचार से भरा कंटेंट, क्रिएटिव फ्रीडम और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आज आपको बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर मिलता होगा, आपके घरों तक पहुंचता है, आपके बच्चों तक पहुंचता है। आपने खुद देखा होगा OTT प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह का कंटेंट आज आपके लिए दिया जा रहा है, उसमें कितनी अश्लीलता है, और कोई भी परिवार एक साथ बैठकर उन चीजों को देख नहीं सकता। लेकिन उसके जवाब में ये लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये हमारी क्रिएटिव फ्रीडम है और ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। फिर भी इन लोगों को भारत असहनशील दिखाई देता है, जबकि इनका ये सारा कंटेंट भारत के लोग सह रहे हैं, देख रहे हैं, इन्हें पैसा भी दे रहे हैं, फिर भी इन्हें लगता है कि भारत के लोग असहनशील हैं। हिंदुओं का और हिंदुओं के धर्म का मजाक भी इसी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आजकल खुलकर उड़ाया जाता है। यह भी एक नया फैशन और एक नया बिजनेस मॉडल बन चुका है। आज आप देखिए, कोई भी लेखक, कोई भी पत्रकार, कोई भी बुद्धिजीवी आज ये समझता है कि भारत में रहकर अगर उसने हिंदुओं का मजाक उड़ाया, हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाया या उसके बारे में कोई अभद्र बातें कहीं, तभी उसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा, तभी लोग उसे सच्चा लिबरल मानेंगे, तभी लोग उसे सच्चा बुद्धिजीवी मानेंगे और तभी लोग उसे सच्चा धर्म निरपेक्ष मानेंगे। और इस सब के लिए भारत का मजाक उड़ाना, भारत का अपमान करना और हिंदुओं का अपमान करना सबसे शानदार बिजनेस मॉडल माना जाता है, और इसीलिए ये खुलकर हो रहा है। जब तक आप लोग, देश के लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप लोग इस तरह के लोगों को रोकेंगे नहीं, ये ऐसे ही होता चला जाएगा। और इन लोगों की हिम्मत इसलिए बढ़ती है क्योंकि जितनी बार ये ऐसा करते हैं उतनी बार उनकी दुकान और बड़ी हो जाती है, उतनी बार पैसा और ज्यादा आता है, उतनी बार फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, उतनी ही बार यूट्यूब पर इनके व्यूज बढ़ जाते हैं, और हर बार इन्हें और ज्यादा बुरा बोलने की और बड़ा अपमान करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा कि भारत के अलावा और हिंदुत्व के अलावा किसी और धर्म के नाम पर ऐसा करने की हिम्मत कोई नहीं करता। देवी देवताओं पर बड़ी आसानी से अभद्र
चुटकुले कह दिए जाते हैं, अभद्र बातें कह दी जाती हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर कोई कॉमेडियन किसी दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कह दे, तब उस दिन क्या होगा। अगर कोई इस्लाम या किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ कह दे तो लोग कहते हैं कि तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत ही क्या थी, आप तो जानते थे, आपको पता है कि ये लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए अब आपकी जान पर खतरा तो रहेगा। आज हम वीरदास को ये चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं कि उसी मंच पर खड़े होकर क्या वो इस्लाम के बारे में भी यही कह सकते हैं जो उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं के बारे में कहा है। उन्होंने ये कहा है कि हम महिलाओं की पूजा करते हैं, यानी हम देवियों की पूजा करते हैं। दुनिया में हिंदू धर्म अकेला ऐसा धर्म है जहां महिलाओं को देवी माना जाता है, बाकी किसी धर्म में तो महिलाओं को देवी माना ही नहीं गया, तो पूजा कैसे करेंगे। लेकिन उसके लिए भी आप सोचिए, भारत की आलोचना होती है और हिंदू धर्म की आलोचना होती है महिलाओं की पूजा करने के लिए, देवियों की पूजा करने के लिए। पेरिस के एक अखबार, आपको याद होगा बड़ा मशहूर अखबार था शार्ली हेब्दो, उसके साथ क्या हुआ था आपको आज भी याद होगा। तब भी लोगों ने कहा था कि इस अखबार को पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून छापने की क्या जरूरत पड़ी थी, और इस अखबार ने तो खुद मौत को बुलावा दिया है। आपको याद होगा इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का एक आपत्तिजनक कार्टून छाप दिया था और आतंकवादी आए अखबार के दफ्तर में और न्यूज रूम में ही उन सारे पत्रकारों की गोली मारकर खुलेआम हत्या कर दी थी। लेकिन तब इनमें से मुट्ठी भर लोग भी इस्लाम को असहनशील बताने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, लेकिन भारत को असहनशील बताने में इन्हें जरा सी भी देर नहीं लगती। 128 साल पहले जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में अपना भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इसराइल की वो पवित्र यादें सजो कर रखी हैं जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। आज भी भारत दुनिया भर के लोगों को अपने यहां शरण देता है। आपने देखा होगा हमारे यहां बांग्लादेश से लोग आते हैं, उन्हें शरण मिलती है। हमारे यहां पाकिस्तान से लोग आते हैं, शरण मिलती है। अफगानिस्तान से लोग आते हैं, उन्हें भी शरण मिलती है। हमारे यहां नेपाल के लोग रहते हैं, हमारे यहां श्रीलंका के लोग रहते हैं। अब आप खुद सोचिए, इसराइल समेत दुनिया भर के सताए गए लोगों को अपने यहां शरण देने वाला भारत असहनशील कैसे हो सकता है। इतिहास में जब जब इसराइल के लोगों को सताया गया, तब तक भारत ने तब तब इसराइल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और यह सिलसिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति तक चलता रहा। लेकिन आज इसराइल के लोग अपने देश का मजाक उड़ाने वालों को कड़ा जवाब देना जानते हैं और इसका एक उदाहरण आज हम आपको बताते हैं। आज हम अपने देश के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप इसराइल से सीखिए, एक राष्ट्र कैसे एक साथ खड़ा हो जाता है, ये आपको आज इसराइल से सीखना चाहिए और आज एक उदाहरण के जरिए हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमें बहुत खुशी है कि आपने जो हमने आपके लिए हैशटैग आज बनाया स्टैंड अप फॉर इंडिया, उसे कुछ ही मिनटों में आपने ट्विटर पर नंबर एक बना दिया है। इस समय ये नंबर एक पर ट्रेंड कर रहा है और यही भारत की ताकत है। अब तक 32,000 से ज्यादा लोग इस हैशटैग पर ट्वीट करके अपनी राय दे चुके हैं, लेकिन हमें लगता है कि 135 करोड़ लोगों के देश में यह संख्या भी बहुत कम है। इसलिए आप सब लोग हमारे साथ आइए, जी न्यूज ने इस हैशटैग के जरिए आपको जो मंच दिया है उसका इस्तेमाल करके वीरदास जैसे लोगों को जवाब दीजिए, जो मुट्ठी भर लोग वीरदास के सामने बैठकर उस दिन वॉशिंगटन डीसी में ताली बजा रहे थे, उन्हें भी आज ये पता कर चलना चाहिए कि भारत के लोग क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं। अब इसराइल का उदाहरण देखिए, हमारे यहां तो लोग भारत का अपमान करके चुपचाप चले जाते हैं, हम भी बहुत बड़े दिल वाले हैं, हम भी सोचते हैं कि जाने दीजिए, कोई फायदा नहीं इन लोगों के मुंह लगने से, और लोग ऐसे ही पैसा कमाते रहते हैं और इसे बिजनेस मॉडल बना लेते हैं। लेकिन पिछले महीने की 26 तारीख को अमेरिका के एक मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में इसराइल के बारे में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ जिसमें इसराइल को क्रोधी, नाखुश, थके हुए और उदास लोगों का देश बताया गया। तो सोचिए, यह उदाहरण बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज हमारे साथ हो रहा है। ये व्यक्ति वीरदास नाम का, ये भी हमें यही कह रहा है कि हम जो भारत है वो बलात्कारियों का देश है, चरित्रहीन लोगों का देश है, दोहरे मापदंड वाले असहनशील लोगों का देश है। और यही बात पिछले महीने न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसराइल के बारे में लिखी थी, इसराइल के लोगों के बारे में लिखी थी। इसराइल के लोगों को ये बात इतनी चुभी, इतनी बुरी लगी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बड़े ही अनोखे तरीके से
इस आर्टिकल का विरोध करना शुरू कर दिया और न्यूयॉर्क टाइम्स के नाक में दम कर दिया। इसराइल के लोगों ने एक हैशटैग क्रिएट किया, उसका नाम था #sadsadisrael और इसके साथ उन्होंने अपनी खुशियों और मुस्कुराहट से भरी तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू कर दी। लोगों ने द न्यूयॉर्क टाइम्स पर तंज कसा और इन तस्वीरों के साथ लिखा कि देखो इसराइल के लोग कितने उदास हैं, कितने नाखुश हैं और ये कितना बटा हुआ देश है। ऐसा लोगों ने लिखना शुरू किया और अपनी हंसते खेलते हुए तस्वीरें उन्होंने डालनी शुरू की। तो ये आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है, ये इसराइल के लोगों ने ये हैशटैग ट्रेंड कराना शुरू किया और फिर ये हैशटैग पूरी दुनिया में ट्रेंड होने लगा जब इसराइल के लोगों ने अपनी इस तरह की तस्वीरें डालनी शुरू की और मजाक उड़ाया कि ये देखिए क्या हम आपको उदास दिखाई देते हैं, क्या हम आपको दुखी दिखाई देते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में यह भी लिखा था कि इसराइल का जन्म जिन सपनों के साथ हुआ था उनमें से इसराइल कोई भी सपना पूरा नहीं कर पाया, ना तो इसराइल सही मायनों में एक लोकतांत्रिक देश बन पाया और ना ही बहुसंस्कृति वाला एक सहनशील देश बन पाया। 70 वर्षों के बाद इसराइल एक थका हुआ, बूढ़ा और आपस में बटा हुआ देश बन चुका है जिसने फिलिस्तीन पर कब्जा किया हुआ है। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में लिखा जो इसराइल के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये भी उसमें लिखा कि इसराइल एक ऐसा बच्चा है जिसके जन्म से कोई भी खुश नहीं है। तो जो बातें इसराइल के बारे में कही गई लगभग वही सारी बातें भारत के बारे में भी कही जाती हैं, लेकिन फर्क यह है कि इसराइल के लोग चुपचाप नहीं बैठते, उन्होंने अमेरिका के अखबार के एजेंडे को उसी की भाषा में करारा जवाब दे दिया और पूरी दुनिया के लोगों ने देख भी लिया और सुन भी लिया। और इसके बाद दुनिया का कोई भी अखबार, कोई भी मीडिया, कोई भी कॉमेडियन, कोई भी एक्टर इसराइल के बारे में कुछ भी कहने से हजार बार सोचेगा कुछ भी कहने से पहले। इसलिए आज भारत के लोगों को इसराइल से सीखना चाहिए कि वहां के लोग अपने देश की आलोचना करने वालों को कैसे करारा जवाब देते हैं। एक और उदाहरण देखिए इसराइल का। इसी साल अमेरिका के मशहूर आइसक्रीम ब्रांड बेन एंड जेरी ने यह फैसला लिया कि वो अब इसराइल के साथ कारोबार नहीं करेगा और इसराइल में अपनी आइसक्रीम नहीं बेचेगा और वर्ष 2023 के बाद वहां अपनी आइसक्रीम वो नहीं बेचेगा इसराइल के बाजारों में, क्योंकि इसराइल ने फिलिस्तीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। इसके बाद पूरी दुनिया में मौजूद इसराइल के लोगों ने इस आइसक्रीम ब्रांड का विरोध करना शुरू कर दिया, इसका बहिष्कार कर दिया और इसराइल की सरकार ने भी इसे एक डिप्लोमेटिक लड़ाई के रूप में बदल दिया। सरकार भी साथ आ गई, लोग भी साथ आ गए और लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब हम इस आइसक्रीम को कभी नहीं खाएंगे। अब सोचिए अगर दुनिया की कोई बहुत बड़ी ब्रांड भारत के बारे में ऐसा कहे और बोले कि क्योंकि भारत ने किसी एक खास जगह पर अवैध कब्जा करके रखा है, हमारे ही टेरिटरी को अगर वो ऐसा कहने लगे, तो क्या भारत के लोग ऐसा कर पाएंगे कि अब हम इस ब्रांड को कभी नहीं खरीदेंगे। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि भारत के लोगों ने चाइनीज सामान के बारे में ये सब किया। आपको याद होगा पिछले साल हमने अपील की थी आप सबसे और इस बार दिवाली पर भारत के लोगों ने चाइनीज सामान नहीं खरीदा और जो चाइनीज सामान था इस बार पहले के मुकाबले कम बिका, 50,000 करोड़ रुपए के हिसाब का सामान नहीं बिका। लेकिन क्या आप इसकी कल्पना भारत में कर सकते हैं? भविष्य में अगर यही कंपनी ये कह दे कि वो ये मानती है कि भारत ने किसी अपने हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है और ये वहां अपनी आइसक्रीम नहीं बेचेगी, तो आप लोग यानी भारत के लोग क्या एक साथ खड़े होकर इसका विरोध करेंगे? इसलिए आज जो कार्यक्रम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये सारा संवाद जो आज आपके साथ हो रहा है, ये इसीलिए है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब अपने देश के लिए खड़ा होना सीखिए, अपने देश के लिए एकजुट होना सीखिए, अपने देश का बचाव करना सीखिए। क्योंकि अगर आपने अपने देश को का बचाव नहीं किया, अगर आप अपने देश के पक्ष में नहीं बोले, तो फिर दुनिया की कोई शक्ति आपके पक्ष में नहीं बोलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, हो सकता है हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होंगी, हम ये नहीं कह रहे कि हम परफेक्ट देश हैं, हमारा समाज बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी भी देश को परफेक्ट बनाना पड़ता है और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो कमियां हैं उसके बारे में हम बाहर ना बात करें, आपस में बात करें, अपने सिस्टम को सुधारें, अपने समाज में जो कमियां हैं उन्हें आपस में बात करके उन्हें ठीक करें। लेकिन जो लोग अपने निजी फायदे के लिए हमारा अपमान करेंगे, हमारे देश का, राष्ट्र का अपमान करेंगे, उन्हें तो हमें जवाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि आगे से भविष्य में अगर कोई वीरदास जैसा और कॉमेडियन, कोई और मस्खरा
किसी और मंच पर खड़ा होकर भारत के बारे में ऐसी बातें बोलने के बारे में सोचे भी तो उसे हजार बार ये बात सोचनी पड़े कि वो ये बात बोले या ना बोले। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.